YouTube पर मैं जैसे ही किसी भी शॉर्ट्स को प्ले करता हूं तो आप देखते हो कि प्ले करने के दौरान जो था मुझे शॉर्ट्स में कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही मैं किसी भी शॉर्ट्स को पॉज करता हूं और नेक्स्ट शॉर्ट्स की ओर शिफ्ट करता हूं तो आप देखते हो कि जो अगला शॉर्ट्स है वो ऑटोमेटिकली जो था पॉज हो जाता है। आप इसमें कितने भी जो पॉज वाले बटन पर टैप करते रहो, ये जो होता है पॉज वाला बटन जो होता है प्ले होता ही नहीं है। आपको लगता हो कि आपका मोबाइल खराब है? नहीं, आप कभी गौर नहीं किए कि जब भी आप शॉर्ट्स को प्ले करते होगे तो उसके ऊपर जो था आपको तीन सर्कुलर आइकन करके आपको एक ओवरले देखने को मिल रहा है। और ये प्रॉब्लम जो था आपको ये तीन सर्कुलर आइकन के कारण ही हो रहा है। अब चलिए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर। सबसे पहले आपको बैक होकर आपके मोबाइल के होम स्क्रीन में चले आना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में चले जाना है और आपको सेटिंग्स वाले पेज में सर्च बार देखने को मिल जाता है और आपको उस पर एक बार टैप कर देना है और आपको सर्च बार में सर्च करना है एक्सेसिबिलिटी मेनू। और इतना कर लेने के बाद जो है आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप देखिए कि एक्सेसिबिलिटी मेनू करके जो है आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है और आपको इस पर एक बार टैप कर देना है। जैसे ही आप उस पर टैप करते हो तो आप देखते हो कि इंस्टॉल्ड एप्स करके आपको एक नया सेक्शन देखने को मिल रहा है और आपको उस सेक्शन में जो है एक्सेसिबिलिटी मेनू करके जो है आपको एक ऑप्शन उसमें देखने को मिल रहा है और आपको उस ऑप्शन पर जो है एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो आप देखते हो कि एक्सेसिबिलिटी मेनू करके जो है आपको एक नया इंटरफेस नया पेज देखने को मिल जाता है और आपको बॉटम साइड के जस्ट ऊपर एक्सेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट करके आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है और आप देख रहे हो कि उसमें जो है टॉगल लगा हुआ है, वो टॉगल जो है वो इनेबल है और आपको सबसे पहले इस टॉगल को एक बार ऑफ कर देना है। और इतना कर लेने के बाद आपको बैक होकर आपको अपने मोबाइल को होम स्क्रीन में चले जाना है और आपको अपने मोबाइल में यूट्यूब ऐप पर एक बार लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप उस पर लॉन्ग प्रेस करके रखोगे आपको इसका जो है ऐप इन्फो आई बटन के माध्यम से देखने को मिल सकता है या फिर यहाँ पर डायरेक्टली आपको जो है ऐप इन्फो लिखा हुआ देखने को मिल जाए और आपको जो है इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर आई बटन पर क्लिक करते हो तो आप रिडायरेक्ट हो जाते हो एप्स इन्फो वाले पेज पर और आपको स्क्रॉल डाउन होते हुए नीचे चले आना है और यहाँ पर आपको जो है यूजेज करके आपको एक सेक्शन देखने को मिल रहा है जिसमें से जो है उस सेक्शन में आपको स्टोरेज करके आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है और आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो तो आपको बॉटम साइड में होता है क्लियर डाटा एंड क्लियर कैच करके आपको ऑप्शन देखने को दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको जो है केवल केवल क्लियर कैच करना है, क्लियर डाटा बिल्कुल नहीं करना, अदरवाइज तुम्हारा यूट्यूब पे जितना भी डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। और क्लियर डाटा कर लेने के बाद आपको जो बैक होकर अपने मोबाइल को होम स्क्रीन में चले जाना है। अब चलिए बारी आती है कि चेक करते हैं क्या ये जो था प्रॉब्लम था हटा या नहीं हटा। शॉर्ट्स को ओपन कर लेता हूं। आप देखते हो कि शॉर्ट्स में जो था जो तीन सर्कुलर आइकन करके जो ओवरले देखने को मिल रहा था वो ओवरले जो था अब हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आप इसे कितना भी पोज करते रहो, नेक्स्ट जैसे ही शॉर्ट्स पे आप शिफ्ट करोगे यहाँ पे आपको जो था फिर से प्ले हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका ये प्रॉब्लम जो था सॉल्व हो गया होगा। अभी भी कुछ बताना बाकी? अरे हाँ, अरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज में। आज के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू।